हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। मोटिवेशन की थियरीज मैं आप लोगों को करवा रही थी और बहुत डिटेल में, डीप में करने की भी जरूरत नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर नाम आपको दे दिया जाए तो कि अच्छा ये ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियरी है, किससे रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड है, प्लस इसमें मेजर स्टेप्स या मेजर स्टेजेस या मेजर फैक्टर्स क्या हैं, क्या बोला गया है इस थियरी में, वो जस्ट आपको पता होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। दो टाइप की थियरीज मैंने मोटिवेशन की आपको बताई है अब तक, कॉन्टेंट थियरीज और प्रोसेस थियरीज। और जो कंटेंट और प्रोसेस थियरीज हैं उसमें जो जो टाइप्स हैं कि कंटेंट थियरीज में कौन सी थियरीज आएंगी, वो सारी मैं आपको करवा चुकी हूं। प्रोसेस थियरीज में हम कवर कर रहे हैं और उसमें आज हम बात करेंगे व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियरी की। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन लाइक शेयर सब फ्री है, ठीक है, तो फ्री में सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप लोग। व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियरी, देखिए एक्सपेक्टेंसी मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं। सो एक्सपेक्टेंसी थियरी क्या बोलती है कि एक पर्सन विल चूज देयर बिहेवियर, किसके बेसिस पे चूज करेगा वो बिहेवियर को जो उसका रिजल्ट होगा, ऑन व्हाट दे एक्सपेक्ट द रिजल्ट ऑफ दैट बिहेवियर टू बी। यानी कि मुझे ये पता है कि मान लो सामने से कोई फ्रेंड आ रही है और मुझे ये पता है कि वो कैसे बिहेव करेगी, या फिर मुझे ये मतलब मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि अगर मैं उसको जाके सामने से हेलो बोलूं तो वो भी वार्मली वेलकम करके उतना ही अच्छे से बिहेव करेगी। तो जो रिजल्ट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट, उसके बेसिस पे आप अपना बिहेवियर डिसाइड करते हैं। अब आपको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला तो सामने सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा, तो आपको ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लिया ना आपने रिजल्ट तो कि अगर आप जाके बात भी करोगे तो आपका बिहेवियर जो है वो उस एक्सपेक्टेशन के बिहेवियर मतलब जो आप रिजल्ट इमेजिन कर रहे हो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके बेसिस पे आप चूज करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थियरी द बिहेवियर यू चूज विल ऑलवेज बी द वन दैट मैक्सिमाइजेस योर प्लेजर एंड मिनिमाइजेस योर पेन। अब मुझे ये पता है कि उस इंसान ने ठीक से बात नहीं करनी मेरे से, मुझे रिजल्ट पता है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं ऐसा रिजल्ट, तो मैं वो डिसीजन नहीं लूंगी ना, क्योंकि आप वो डिसीजन लेना चाहोगे, आप वो बिहेवियर चूज करोगे जिस बिहेवियर से आपको मैक्सिमम प्लेजर मतलब मैक्सिमम खुशी मिले और मिनिमम पेन मिले। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि उससे बात करके जो है दिमाग खराब ही होना है, तो मुझे पता है ना पेन का, तो मैं उसको मिनिमाइज करूंगी, तो मैं उस डिसीजन को लेने से हटूंगी, मतलब मैं ऐसा डिसीजन चूज करूंगी कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं करनी। ओके, सो वो चीज रहेगी कि आप वो डिसीजन प्रेफर करेंगे, पहली बात तो ये, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बिहेवियर रिजल्ट में, ठीक है, कि रिजल्ट ये निकलेगा। दूसरा जो है आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम प्लेजर मिल रहा हो और मिनिमम पेन मिल रहा हो आपको। ठीक है जी, तो ब्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थियरी है वो अज्यूम करके चलती है किसको, बिहेवियर रिजल्ट जो है वो कहां से आएंगे, जो आपका कॉन्शियस डिसीजन या कॉन्शियस चॉइसेस है, ऐसे बोल देते हैं ना कि आपकी लाइफ जो है वो आपकी चॉइसेस का ही एक आउटकम है, राइट। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, आपने कुछ कोई और बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे ये करियर चूज करना है, और उस करियर में या उस इंसान के साथ आप हैप्पी नहीं है, या हो सकता है आप बहुत हैप्पी हैं, सो वो चॉइसेस क्या है, वो आपकी कॉन्शियस चॉइसेस है ना। सो जो बिहेवियर ये मान के चल रहे हैं कि जो बिहेवियर रिजल्ट हैं वो क्या है, आपकी कॉन्शियस चॉइसेस हैं, ना कि ऐसे ही रैंडम चीजें हैं, और उसमें हम मैक्सिमम प्लेजर और मिनिमम पेन करने की कोशिश करते हैं, ये पर्पज रहता है। उन्होंने ये रियलाइज किया, कहां से रियलाइज किया, कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो इंडिविजुअल फैक्टर्स पे बेस्ड है, मतलब चाहे पर्सनालिटी हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो, तो जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं कि इस इंसान को कितना एक्सपीरियंस है, एबिलिटी क्या है, उन चीजों पे। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एफर्ट, जो परफॉर्मेंस या जो मोटिवेशन है वो किससे रिलेटेड है, वो पर्सन के मोटिवेशन से रिलेटेड है, मतलब जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं वो उस पर्सन के मोटिवेशन से रिलेटेड है। तो उन्होंने तीन वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया इसी एक्सपेक्टेंसी थियरी में, एक तो एक्सपेक्टेंसी की आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एक वैलेंस, ये चीजें तीनों के तीनों वेरिएबल्स, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि द बिलीफ दैट इंक्रीज्ड एफर्ट विल लीड टू इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। सो एक्सपेक्टेंसी एक बिलीफ है, मतलब आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ना कि अगर आपने एफर्ट डाला, मेहनत ज्यादा की, सो आपको परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिलेगी, आउटकम आपको ज्यादा मिलेगा, यानी अगर मैं अच्छा हार्डवर्क करूं तो उसके रिजल्ट भी बेटर होंगे। सो ये क्या है, एक्सपेक्टेंसी बेसिकली वो बिलीफ है जो आपको ये बिलीव करवाता है अंदर से कि आप जो है एफर्ट बढ़ाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस और आउटकम या रिजल्ट भी बेटर ही आएंगे।
ओके जी, सो दिस इज अफेक्टेड बाय सच थिंग्स. अब ये जो चीज है, ये जो एक्सपेक्टेंसी है, किस किस चीज से अफेक्ट होगी? एक तो हैविंग द राइट सोर्सेज अवेलेबल, जो रिसोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, कि मान लो रॉ मटेरियल है, टाइम है, आप एफर्ट डाल के तभी तो काम ज्यादा करोगे ना जब राइट रिसोर्सेज आपके पास होंगे. हैविंग द राइट स्किल्स टू डू द जॉब, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी स्किल है या नहीं, आपको वो चीज आती है प्रॉपर, आप ट्रेंड हैं या नहीं है. हैविंग द नेसेसरी सपोर्ट टू गेट द जॉब डन, नेसेसरी सपोर्ट है या नहीं, सुपरवाइजर का सपोर्ट हो गया, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी जॉब से रिलेटेड या उस मटी जो चीज आप काम कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड, उस स्किल से रिलेटेड. सो पॉइंट ये है कि जो जो चीजें आपके जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहेंस करेंगी या उसको इफेक्ट करेंगी, चाहे एनहेंस करे कम करे, वो सारी चीजें इस एक्सपेक्टेंसी को भी अफेक्ट करेंगी. एक्सपेक्टेंसी वो बिलीफ हो जाएगा जो आपको ये बता रहा है कि यार मैंने अगर एफर्ट ज्यादा डाले तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, ज्यादा आएगा. इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है? ये भी एक बिलीफ है दैट इफ यू परफॉर्म वेल दैट अ वैल्यूड आउटकम विल बी रिसीव्ड. ठीक है, सो अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो एक बढ़िया आउटकम आपको देखने को मिलेगा. इफ आई डू अ गुड जॉब देयर इज समथिंग इन इट फॉर मी, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा है ना मेरे लिए. सो वो चीज है यहाँ पे, दिस इज अफेक्टेड बाय थिंग्स जैसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम. देखिए एक्सपेक्टेंसी में क्या था कि इंक्रीज एफर्ट से आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, यहाँ पे क्या है कि आप जो अगर परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है ना, देखिए एफर्ट इंक्रीज किया सो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, और परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई तो आपका आउटकम भी अच्छा रिसीव होगा आपको. ठीक है, सो ये जो एफर्ट इंक्रीज हुआ तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ये एक्सपेक्टेंसी है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई तो आउटकम भी आपको अच्छा मिलेगा, ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी है. ओके, ये ध्यान रखिएगा. देन बैलेंस, बैलेंस क्या है? ये इंपॉर्टेंस है दैट इंडिविजुअल प्लेसेस अपॉन द एक्सपेक्टेड आउटकम. सो ये जो ये तीन स्टेप बताए ना मैंने, एफर्ट आपका, एफर्ट से आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस हुई और परफॉर्मेंस से आपका रिजल्ट या आउटकम आपका अच्छा आया. ठीक है, सो ये जो रिजल्ट के ऊपर फोकस डाल रखा है ना, जो एक्सपेक्टेड आउटकम को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो चीज क्या है? बैलेंस है, दैट्स इट. इतना ध्यान रखिएगा और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. ये तीन वेरिएबल्स हैं, मोटिवेशन की ये थियरी है जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एफर्ट डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस होगी आपकी, और अच्छी परफॉर्मेंस होगी, आप बेटर परफॉर्म करेंगे तो आपके आउटकम्स या रिजल्ट भी बेटर आएंगे. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज मेनली पॉजिटिव मोटिवेटेड बाय मनी, ही और शी माइट नॉट वैल्यू ऑफर्स टू ऑफ एडिशनल टाइम ऑफ. सो वो चीज है कि अब सबका मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है, सबका जो मतलब जिस जो आउटकम पे आप फोकस कर रहे हैं वो आउटकम अलग अलग हो सकता है, कि किसी का आउटकम हो सकता है कि हाँ अच्छी सैलरी मिल जाए, किसी का आउटकम हो जाता है सेटिस्फेक्शन, तो सबका अलग अलग आउटकम होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है. सो अगर कंक्लूजन बताऊं मैं आपको, सो एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड फील करने के लिए तीन फैक्टर्स जो है प्रेजेंट होने चाहिए, एक एक्सपेक्टेंसी, एक इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस. यू कैन डिटरमाइन द मोटिवेशन लेवल. अब जैसे मैंने आपको एक बार बताया था ना कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तब हम देखते हैं कि कितना इफेक्ट जो है इनका पड़ता है लर्निंग के ऊपर या ह्यूमन की पर्सनैलिटी के ऊपर. बट ग्रूम की एक्सपेक्टेंसी को अगर हम देखें, इसको डिटरमाइन करना चाहें कि कितना मोटिवेशन लेवल है, सो आप इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इंटू बैलेंस. ठीक है, सो अगर रिजल्ट ज्यादा आ रहा है आपका तो मोटिवेशन भी आपका ज्यादा होगा, अगर आपका रिजल्ट परफॉर्मेंस आउटकम कम है तो वो भी आपका मोटिवेशन भी क्या होगा, कम होगा. सिर्फ इतनी सी बात है जी. अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, थियरीज ऑफ मोटिवेशन हम कवर कर रहे हैं. इसमें टेलर की मोटिवेशन की थियरी, स्किनर की हम कर चुके हैं, व्रूम की आज हमने कर ली, तीन थियरीज बची हैं, ये सारी थियरीज भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. मोटिवेशन एंड इट्स थियरीज के नाम से आपको क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने मोटिवेशन क्या होता है से शुरू करके सारी की सारी थियरीज जो है वो डाल रखी है. ठीक है जी, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Be happy, keep smiling and subscribe to Inculcate Learning.